अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते होगे तो चांस है कि आप भी प्रॉब्लम फेस करते होगे। कौन से क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने पोल्काडोट कॉइन का फंडामेंटल बनाया है। और ये वीडियो देखकर आपको लगेगा पोल्काडोट एक ही कॉइन बेस्ट है, बट ये वीडियो एजुकेशन कॉन्सेप्ट है, इसको फाइनेंशियल एडवाइज मत समझना। चलो अब पोल्काडोट का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना, ये वीडियो एंड तक देखना। पोल्काडोट कॉइन का फाउंडर का नेम गेविन हुड है, जो पहले इथेरियम का को फाउंडर रह चुके हैं। गेविन हुड की दूसरी भी कंपनी चल रही है, उसका नाम पेरिटी टेक्नोलॉजी। पेरिटी टेक्नोलॉजी का काम है ये है कि ब्लॉकचेन रिलेटेड काम करते हैं और एक हार्डवेयर वॉलेट बनाता है। और दूसरी कंपनी गेविन हुड और उसका फ्रेंड पीटर के साथ वेब थ्री नाम से एक एनजीओ बनाते हैं। उसमें उसका काम होगा पोल्काडोट को सपोर्ट करना और रिसर्च करना और ब्लॉकचेन डेवलपमेंट करना। अभी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में मैंने देखा सब इन्वेस्टर को प्रॉब्लम न्यू कॉइन में आता है और उसकी हाइप क्रिएट किया जाता है कि वो कॉइन 100% रिटर्न देगी और ज़्यादातर लोग उसमें फंस जाता है। और क्रिप्टो मार्केट में वाकई भी पोल्काडोट बेस्ट है। पोल्काडोट वर्ल्ड में पहली क्रिप्टो करेंसी है जो लेयर जीरो सॉल्यूशन ऑफर कर रही है। आज की वीडियो में पोल्काडोट का ए टू जेड समझेंगे। पहले हम वो समझते हैं व्हाट इज पोल्काडोट। आपने नोटिस किया होगा क्रिप्टो वर्ल्ड में ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के नेम काफ़ी अजीब है, वैसे ही पोल्काडोट है, बट उसके नेम के पीछे का लॉजिक हम ऐसे समझते हैं। आप वाइट पिन फैब्रिक इमेजिन करो जिसमें कई सारा प्लेन डॉट है। अब क्रिप्टो वर्ल्ड में होता ये है कि कई सारा प्रोजेक्ट होता है जो आइसोलेशन पर काम कर रहे होते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क पे। तो एक डॉट को आप ब्लॉकचेन इमेजिन कर सकते हो। अब पोल्काडोट की खासियत ये है कि एक दूसरे से कनेक्ट करने का ऑप्शन देता है। आप ऐसे इमेजिन करो कि डॉट को ऐसे कनेक्ट कर सकते हो जैसे लाइन खींचकर एक डॉट एक इंडिविजुअल ब्लॉकचेन है और एक लाइन ड्रॉ करके आप सब क्रिप्टो प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर सकते हो जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पे बिल्ड है। अब हम दूसरा समझते हैं पोल्काडोट इतना यूनिक क्यों है। हम क्रिप्टो वर्ल्ड की बात करें तो ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी इंटरऑपरेबिलिटी फेस करते हैं। हम शॉर्ट में समझे तो एक ब्लॉकचेन नेटवर्क दूसरे ब्लॉकचेन नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वो इंटरऑपरेबिलिटी को शो करता है। उसमें पोल्काडोट एक ईजी सॉल्यूशन है। डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन को क्रिएट करने का और उसे कनेक्ट करने का हो सकता है। कई सारे ब्लॉकचेन नेटवर्क है जो पोल्काडोट से बेटर हो लेकिन वो इजीली डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन से कनेक्ट नहीं हो सकते तो वो लॉन्ग टर्म में सही नहीं है। इसलिए पोल्काडोट लेयर जीरो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। उसको हम एक एग्जांपल में समझते हैं। आप कहीं भी रहते होगे, आपके आसपास नियर और भी घर होगे, स्कूल होगी, बिल्डिंग होगी, तो आप घर को ब्लॉकचेन नेटवर्क समझो। तो सवाल ये है कि सारे घर और बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और रोड कहाँ से मिलेगा। तो बिल्डिंग क्रिएट करना होता है यानी ब्लॉकचेन नेटवर्क क्रिएट करते हैं, वो लेयर वन सॉल्यूशन होता है। वो बिल्डिंग को बेसिकली एमिनिटीज जैसे वाटर, रोड और इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड कराते हैं, वो लेयर ज़ीरो फंक्शन है। अगर हम आसान भाषा में समझें तो लेयर ज़ीरो फंक्शन ब्लॉकचेन को क्रिएट करना और कनेक्ट करने ईजी करता है। आगे हम समझते हैं पोल्काडोट काम कैसे करता है, हाउ पोल्काडोट वर्क। पोल्काडोट का कोड की बात करें तो एक प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे ब्लॉकचेन नेटवर्क है, वो दूसरे ब्लॉकचेन को कनेक्ट करता है। तो सवाल ये है कि पोल्काडोट ऐसे करता कैसे है। उसका आंसर से देते पहले हम पोल्काडोट का दो कंपाउंड समझते हैं, एक है रिलेचेन, दूसरा है पैराचेन। अब हम एक एक करके उसको समझते हैं। अगर हम पोल्काडोट की बात करें तो वो बेसिकली हब और स्पोक मॉडल पे काम करता है। हब और स्पोक मॉडल वो होता है कि कई सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस सेंटर से कनेक्ट होती है। जो ये सेंटर है वो हब होता है, उसको हम पोल्काडोट रिलेशन कहते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है उसको हम पैराचेन बोलते हैं। वही रिलेशन पूरा नेटवर्क पे फाउंडेशन होती है जहाँ सारी पैराचेन कनेक्ट होती है। कंसेशन अचीव करने के लिए जैसे अभी हमने देखा पोल्काडोट प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करता है। जो वैलिडेटर होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है उन्हें एटलीस्ट
10,000 डॉट कॉइन स्टेक करना होता है। डॉट बेसिकली टोकन होता है जो पोलकाडॉट नेटवर्क पे यूज होता है। नॉर्मली ज़्यादातर नेटवर्क पे बहुत ही कम स्टेक करना होता है वैलिडेटर को, लेकिन पोलकाडॉट में इसलिए इतना स्टेक करना होता है क्योंकि वो इंश्योर करता है जो लोग ब्लॉकचेन नेटवर्क को वैलिडेट कर रहे हैं उसके काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रखा हुआ है नेटवर्क पे, इसलिए वो नेटवर्क को नहीं सीट करेंगे और नहीं अटैक। तो सभी वैलिडेटर को रिले चेन पे कंसेशन अचीव करना होता है ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए। पोलकाडॉट का मेन मकसद अलग अलग ब्लॉकचेन और डीएफ को कनेक्ट करने का है। पैराचेन का मेन रोल होता है, जैसे ही हमने देखा पैराचेन स्पोक होता है आविर स्पोक मॉडल पे। पैराचेन स्पेसिफिक ब्लॉकचेन के पास जाके उनके रोल को रिले चेन हर एक चीज़ के साथ सिंक करता है। उनसे होता ये है कि सभी ब्लॉकचेन आपस में कनेक्ट भी हो जाती है रिले चेन से और उनकी यूनिकनेस भी मेंटेन रहती है। उसे हम एग्जांपल में समझते हैं। पैराचेन और रिले चेन का प्रोसेस ऐसा है कि जैसे किसी ऑफिस में एम्प्लॉयर के पास खुद के काम भी होता है और कभी कभी सबको एक साथ कोऑर्डिनेट और सिंक करके एक साथ काम भी करना पड़ता है, सेम इसी तरह से पैराचेन की टाइमिंग भी होती है जो कि सभी ब्लॉकचेन को एक साथ कोऑर्डिनेट भी करते हैं रिले चेन से, वो इंश्योर करने के लिए सब चीज सिक्योर है और एक साथ काम कर रही है। और वही सेफ सिक्योरिटी पोलकाडॉट को इतना यूनिक बनाता है क्योंकि जो न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होता है उसकी पास इतना रिसोर्स नहीं होता है खुद को और फंड को सिक्योर कर सके। तो इन्हीं प्रॉब्लम को देखते हुए पोलकाडॉट इजीली और क्वाइटली पैराचेन को सेटअप करने देता है, जैसे कि न्यू ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट सिक्योर रहे और उसका फीडबैक टाइम भी कम हो जाए। इससे हमको समझ में आता है कि पोलकाडॉट बहुत ही रिस्पॉन्सिव और एडोप्टिव है न्यू आइडिया और एक्सपेरिमेंट के लिए। वही हिसाब से पोलकाडॉट इतना रोबस्ट है वो अच्छी बात है कोई भी ब्लॉकचेन के लिए। तो सवाल ये है कि पोलकाडॉट के पास क्या है उसको रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो पोलकाडॉट वो कर पाता है दो टूल्स की वजह से, कुसामा और ट्रेजरी, जो कि पोलकाडॉट का टेस्ट नेटवर्क है। अब हम एक एक करके समझते हैं। अगर हम कुसामा की बात करें तो कुसामा बेसिकली पोलकाडॉट का टेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वो इसलिए इम्पोर्टेड है कि क्रिप्टो वर्ल्ड में ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे होता है कि नई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनसे उनकी सिक्योरिटी और सिस्टम में प्रॉब्लम आती है। इसलिए पोलकाडॉट ने एक ट्रायल नेटवर्क बना रखा है जिसका नाम कुसामा है। तो डेवलपर कोई भी रियल वर्ल्ड में लॉन्च करे पहले उसे कुसामा में टेस्ट कराते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि कुसामा की कोई रियल वैल्यू नहीं है, कुसामा भी स्टेक किया जाता है और उसकी भी एक वैल्यू है। तो कुसामा से वो तो पता चल जाता है कौन सी चीज़ काम कर रही है और कौन सी नहीं, वही चीज़ पोलकाडॉट डेवलपमेंट में काम आती है। अब हम दूसरा टूल समझते हैं जो पोलकाडॉट को रोबस्ट बनाता है, वो है ट्रेजरी। कई सारे क्रिप्टोकरेंसी जैसे कि कार्डानो ट्रेजरी यूज़ करती है। हम ट्रेजरी को आसान समझे तो बेसिकली एक प्रकार का फंड होता है जिसमें ट्रांजेक्शन में ले गई फीस को कलेक्ट करते हैं और इन पैसे को यूज़ करते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। और इस फीस को अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क की कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में और सिक्योरिटी में। जो भी इंसान इस फंड को यूज़ करना चाहता है नेटवर्क डेवलपमेंट में, उसने उतने ही पैसे डिपॉजिट करना पड़ता है ट्रेजरी में। जो इंसान कोई भी चेंजिंग करेगा वो एक्सेप्ट हो जाता है तो पैसा वापस मिल जाएगा। तो ट्रेजरी और कुसामा और पोलकाडॉट एक ऐसा नेटवर्क है जो इनोवेशन, इंटरऑपरेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटेशन को सपोर्ट करता है। उन्हीं सब रीजन की वजह से पोलकाडॉट यूनिक आइडिया है, उसमें पोटेंशियल भी है क्रिप्टो स्पेस की इकोसिस्टम को चेंज करने का। अब हम पोलकाडॉट का टोकनॉमिक्स को समझते हैं। पोलकाडॉट का कॉइन की बात करें तो वो डॉट है, वर्ल्ड की 11वां सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है जो मार्केट कैप के हिसाब से। अब हम टोकन सप्लाई की बात करें तो वो है 1.15 बिलियन टोकन और उसका फर्स्ट ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑवरिंग अक्टूबर 2017 में लिस्ट हुआ था। 2.24 मिलियन टोकन ऑफर किए गए थे
0.29 सेंट में, और दूसरा ICO आया था जुलाई 2020 में जिसमें 342,000 टोकन ऑफर किए गए थे $1.25 में। पोलकाडोट का आज की तारीख में मार्केट कैपिटाइजेशन $18.5 बिलियन है, वो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और richard.crypto चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रिप्टो के बारे में आपको एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।